ओ हे माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप लोग मस्ती होंगे। सो मैं फिर से एक न्यू कंटेंट के साथ आप लोग बीच आ चुका हूँ कि फेस स्मूथ और बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं। सो आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग, तो आपको भी सीखना है कुछ इस टाइप की एकदम हार्ड एडिटिंग। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, अन्यथा नहीं सीख पाइएगा। सो चलिए हम लोग अपना एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है स्नैपशीट, सो हम लोग अपने स्नैपशीट को ओपन कर लेंगे। सो ये रहा हमारा स्नैपशीट, इसको हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद अपने पिक को इसमें आन लेंगे, ठीक है। और ये हमारा पिक है, सो इसको हम आज एडिट करने वाले हैं। सो यहाँ नीचे में दिख रहा होगा टूल कंडीशन, सो इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दिख रहा है टर्न इमेज, सो इस पर क्लिक करके ब्राइटनेस को कुछ स्टेप से बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट को कुछ स्टेप से घटा देना है, ठीक है। और सिचुएशन को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से, और एम्बियंस को भी कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है, और हाईलाइट को भी थोड़ा बढ़ा देना है, और शेडो को भी कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है। सो इतना हो जाने के बाद नीचे में दिख रहा है यहाँ पे सही कंडीशन, सो इस पर सही कर देना, ठीक है, यानी कि अप्लाई कर देना। सो देख लीजिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद फिर से टूल पर आ जाना है और यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्टिव कंडीशन, सो इस सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे और इसको फेस पे रख के और कुछ इस टाइप से इसको थोड़ा वाइट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। सो इतना हो जाने के बाद नीचे में दिख रहा होगा अप्लाई का निशान, सो इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद फिर से जंग टूल पे सेलेक्टिव को ले लेंगे और यहाँ पे रख के थोड़ा वाइट कर लेंगे, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद इसको हम शेयर कर लेंगे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए यहाँ नीचे में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट कंडीशन, सो इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर कंडीशन, सो इस पर शेयर पे क्लिक करके और अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में इसको शेयर कर लेंगे। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं, तो ये हमारा पिक है, सो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पिक कुछ इस टाइप से ओपन हो चुका है। सो ओपन हो जाने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नीचे में दिख रहा होगा आपको कलर कंडीशन, सो इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स कंडीशन, सो मिक्स पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस वाले कलर में इस सिचुएशन को कुछ स्टेप से बढ़ा देना है, उसके बाद दूसरे वाले कलर पे आ जाना है, इसकी सिचुएशन को माइनस कर देना है और लुमिनेंस को कुछ स्टेप से बढ़ा लेना है, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद इस वाले कलर पर आ जाना है और इनकी हुई को भी बढ़ा देनी है और सिचुएशन को भी कुछ स्टेप से बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले कलर पे आ जाना है, इसकी हुई को भी बढ़ा देना, ठीक है, और सिचुएशन को भी कुछ इस टाइप से रख लेना है। उसके बाद इस वाले कलर पे आ जाना है, इनकी सिचुएशन बढ़ा देनी है, इन सभी को सिचुएशन को बढ़ा देनी है कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना, ठीक है। और डन हो जाने के बाद नीचे में दिख रहा होगा आपको इफेक्ट का निशान, सो इस इफेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर देख रहा है टेक्सचर का निशान, सो इसको 4 कर देंगे, नहीं 6 कर देंगे, ठीक है। क्लैरिटी को भी कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे और विग्नेट है इसको थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसको भी कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, इतना रख देंगे। किधर को भी कुछ इस टाइप से घटा देंगे, ठीक है। और हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से, ग्रेन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल पर आ जाएंगे और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद मास्किंग को भी बढ़ा देंगे और इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद यह ऑप्शन दिख रहा है, सो इन दोनों को ऑन कर देना है। सो इतना हो जाने के बाद देख लीजिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा है। सो ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे शेयर कंडीशन, सो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर टू, सो इस पर क्लिक करके और हम लोग अभी चलते हैं अपने ऑटो स्केच बुक में, जिसमें हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे। सो नीचे में दिख रहा होगा आपको ऑटो स्केच बुक, सो इस पर क्लिक कर देंगे। सो क्लिक करते ही हम लोग अपने फोटो को स्नैप ऑटो स्केच बुक में लेकर आ चुके हैं। सो आ जाने के बाद देखिए ऊपर में टूल का निशान दिख रहा होगा, सो इस पर हम लोग क्लिक कर देना है। और इसमें बहुत सारा टूल हैं, तो ये यहाँ पे स्मूथ दिख रहा है, सो इस पर स्मूथ पे आ जाना है और ये वाले ब्रश को चूज कर लेना, ठीक है। और ऊपर में दिख रहा होगा सेटिंग कंडीशन, सो इस पर क्लिक करके देख लीजिए, साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा और फॉलो को रखना है 6 और स्टेगर को रखना है 65, ठीक है, ठीक है, 61 रख लेना है। और यहाँ पर दिख रहा है साइज को अपने हिसाब से रख लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और नीचे में दिख रहा होगा कटिस कंडीशन, सो इस पर क्लिक करके अपने फोटो को जूम कर लेना है और जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से अपने फोटो का स्मूथ कर लेना है। सो गाइस देख लीजिए कितने अच्छे तरीका से स्मूथ हमारा फोटो हो रहा है।
देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे से स्मूथ हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग टाइम ना गवाते हुए जल्दी में स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली जब हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर चुके हैं, अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो चलिए इसको और भी बेटर करने के लिए हम लोग इसको स्नैपसीड में लेकर चलते हैं। ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाले टूल कंडीशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर कंडीशन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। और ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। थोड़ा देर वेट कीजिए। देखिए नीचे में दिख रहा होगा आपको स्नैपसीड, इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही देखिए हम लोग आ चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। यहाँ पर दिखेगा टूल का निशान नीचे में, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्टिव का निशान, इस पर क्लिक करके अपने फेस पर कुछ इस टाइप से देखकर थोड़ा वाइट कर लेना, ठीक है। इस नीचे में दिख रहा होगा प्लस का निशान, इस पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से कर लेना है वाइट, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है और सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देना है और स्ट्रगल को कुछ स्टेप से माइनस कर लेना। इतना हो जाने के बाद कर देना है डन। देख लीजिए इतना हो जाने फिर से टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा होगा पोर्ट्रेट कंडीशन, इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारा फोटो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा होगा निशान वो नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए इसको बढ़ा देना है कुछ स्टेप से। और यहाँ पर देखिए स्किन स्मूथ लिखा है, इसको कुछ स्टेप से हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारा फोटो कितना स्मूथ हो चुका है, ठीक है। जो पहले लकीर दिख रहा था वो अब हट चुका है। इसके बाद नीचे आ जाना, आई क्लैरिटी को भी कुछ स्टेप से बढ़ा देना जिससे हमारे आई में क्लैरिटी आ जाए। इतना हो जाने के बाद नीचे में दिख रहा होगा डन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए हमारा फोटो कितना अच्छा हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर से हम टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्टिव को ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रख के और थोड़ा वाइट कर लेंगे, ठीक, कुछ इस टाइप से, ठीक। और ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे, सिचुएशन को घटा के टेक्सचर को भी घटा देंगे, ठीक है। कर देंगे डन, ठीक है। देख लीजिए जहाँ पर ब्लैक हैं वहाँ पर वाइट वाइट कर लेंगे। भाई जितना हो जाने के बाद बहुत अच्छा भी बन चुका है। इतना हो जाने के बाद हम लोग चलते हैं फिर से ऊपर में दिख रहा होगा शेयर का निशान, इस पर क्लिक कर देंगे और अपने फ़ोटो को लेकर चलते हैं पिकआर्ट एप्लीकेशन में। उसमें हम लोग करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं करेंगे, करेंगे उसमें अपने बैकग्राउंड को चेंज, यानी कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। नीचे में दिख रहा होगा आपको इफेक्ट का निशान, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे में इफेक्ट का निशान, इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कलर रिप्लेंस है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करते हैं इसको बैकग्राउंड पे ले जाकर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे करके। और छोड़ने के बाद देखिए बहुत अच्छा तरीका से अभी तो नहीं हुआ है, तो अपने हिसाब से इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको इधर कर देना है मिनी हुई को, ठीक है, ऐसी कर देना है। और इसको भी पूरा ऐसी कर देना, ठीक है। और जो कलर चाहिए यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, इतना रख लेना है। देख लीजिए और यहाँ से ऊपर में दिख रहा हूँ इरेज कंडीशन, इस पर क्लिक कर देंगे। और जहाँ हमारा बॉडी पे अगर आ चुका है तो उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नहीं आया है, यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है, और यहाँ से डन कर देंगे। फाइनल देखिए हमारा फोटो बन चुका है। इसको सेव करने के लिए ऊपर में दिख रहा होगा तीर का निशान, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। फाइनली हमारा फोटो सेव हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा हो लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। क्या कर रहे हो यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसा ही न्यू वीडियो के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।